हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है फावाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। अक्षय कुमार इवेंट बेस्ड, इशू बेस्ड और पेट्रियाटिक मूवी करने के माहिर हैं इस वक्त बॉलीवुड में। उनका कोई सानी नहीं और ऐसा लग रहा है कि जॉन अब्राहम भी उनकी लाइन पर चल पड़े हैं। उनकी आप प्रीवियस जितनी मूवीज देखें फुल ऑफ पेट्रियाटिज्म है, आपको प्रोवोक करता है पेट्रियाटिक बनने के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करने के लिए। और जो जो शहीद हैं या जो जो ऐसे हीरोज़ हैं, अननोन हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किए हैं, उसको सामने लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी ही एक और मूवी जॉन अब्राहम लेकर आ रहे हैं, बटला हाउस, जो कि ऑपरेशन बटला हाउस के ऊपर बेस्ड है। इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था सितंबर 2008, बहुत कंट्रोवर्शियल था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। निखिल अडवाणी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बिना कोई टाइम जाए कि आइए ट्रेलर देखते हैं, साथ साथ में अपना रिएक्शन भी देता जाऊंगा, उसके बाद रिव्यू भी करेंगे और फिर बात भी करेंगे कि एक्चुअली हम उससे कुछ हासिल कर भी पाएंगे या जो रिजल्ट उस ऑपरेशन का था उस तक वो पहुंच पाए हैं कि नहीं। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज। ये सब तमाशा कैसे हुआ? सर वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और ऑर्डर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के थे, गोलियां बरसाने के नहीं। सभी के सभी बेकसूर विद्यार्थी थे और एक फर्जी एनकाउंटर था। अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया गया। संजय कुमार इज अ मॉन्स्टर। केके को गोली कैसे लगी? उन लड़कों ने मारी, वही आस्किंग विदार। जिन लड़कों को आपने मारा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे? बेकसूर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स का मैंने बेकसूर नहीं कहा। पावरफुल। हमारे पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो तुम आयम के सौ लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। बाटला हाउस मैटर में मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रेसिडेंस मेडल दिया जाए। केस ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल, सरकार गिर सकती है। एक टेररिस्ट को मारने के लिए सरकार जो रकम देती है उससे ज्यादा तो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार एक हफ्ते में कमा सकता है। दिल्ली से ऑर्डर आया है। कम से कम यहां तो सच बताइए। किसे सच सुनना है आपको? एक पुलिस वाले से? कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी आपने? आपका सच और मेरा सच एक कैसे हो सकता है? आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनना नहीं है ना सर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा आई हैव नथिंग, नथिंग। सस्पेंड होने के बस इतना करीब हो तो मैं इस केस से जुड़े एक एक को कोर्ट में दोषी साबित कर पाऊंगा। चले कहा? जीत में। सब एक चुटकी में धुआं ऐसे। वो चुटकी तो शायद पहले कब की बच चुकी है सर, और धुआं आप सबको सच देखने से रोक रहा है। इंडिपेंडेंस डे 2019। वाह, ट्रेलर इज सो इंगेजिंग। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो आपको ऐसे इंगेज रखता है, और जिस तरह से ट्रेलर कट किया है ना, वाह। निखिल अडवाणी आई थिंक इज क्वाइट हैंडी डायरेक्टर। उनके कैप में इतने ज़्यादा फैदर्स नहीं है ऑफ हिट मूवीज के, लेकिन ही इज क्वाइट कन्विंसिंग इन मोस्ट ऑफ द मूवीज। सलाम इश्क आई थिंक उनकी ऐसी मूवी थी जो मुझे पसंद आई थी, चली नहीं थी, बट इट वॉज ब्रिलियंटली शॉट। Direction was brilliant, but the story was lacking something. Anyways, Nikhil Advani, I think, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस मूवी में।
as a director, John Abraham looking, wow, angry young man kind of person, wow. जो उनकी body language है, facial expression के बारे में हमेशा से questions किया जाता है John Abraham के, लेकिन I think इस पर लग रहा है कि उन्होंने काम किया है. ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अपने दिल से फुल डूब के ये कैरेक्टर कर रहा है. कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन बटला हाउस के ऊपर बेस्ड मूवी है, को कंट्रोवर्शियल बनाया था पॉलिटिशियंस ने आई थिंक. मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता, जो जो मैंने इसके बारे में सुना है या पढ़ा है उससे ऐसा लगता है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, क्योंकि बटला हाउस ऑपरेशन हुआ था जो दिल्ली में 5 ब्लास्ट हुए थे, उसमें 30 लोगों की जान गई थी, उसमें बहुत सारे टूरिस्ट भी थे, इंडियन भी थे, और यस इट वाज अ बिग इंसिडेंट. तो उसके बाद ही उनको एक खबर मिली पुलिस वालों को कि इस फ्लैट में इंडियन मुजाहिदीन जिन्होंने ये ब्लास्ट प्लान किए थे वो वहाँ पर ठहरे हुए हैं, और जाके उसका उनका इनकाउंटर किया गया. तो उसमें 2 टेररिस्ट मारे गए थे, 2 पकड़े गए थे और 1 भाग गया था. बस इसी वजह से आई थिंक ये ऑपरेशन कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि 1 जो टेररिस्ट भाग गया था और जो 2 पकड़े थे, और 2 उसमें एक का नाम मेरे ख्याल में अमीन समथिंग था कुछ, आसिफ अमीन और समथिंग, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैंने गलत नाम लिया है. कुछ लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए कि जिस इंस्पेक्टर ने इसको लीड किया था वो बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहने हुए था. हालांकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि जॉन अब्राहम बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के अंदर एंटर होते हैं. आई थिंक इन रियलिटी दिस इज़ नॉट ट्रू. इस तरह के क्वेश्चंस रेज किए गए थे कोर्ट रूम में, और कुछ क्वेश्चन इस तरह भी रेज किए गए थे, जो एक टेररिस्ट है उसके सर पे 4 गोलियां मारी गई, तो ऐसा लग रहा है कि उनको बिठा के उसके सामने यानी कि उसको गोलियां मारी गई, यानी कि जैसे ही एंटर हो के ठा 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 गोलियां, जिस तरह सीन में दिखाई गई हैं इस तरह का कोई सीन नहीं था. ये क्वेश्चन रेज किए गए थे कोर्ट के, मैं वही कोर्ट टू कोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा. और एक और क्वेश्चन रेज किया था जो टेररिस्ट आई थिंक आसिफ अमीन उसकी पीठ की खाल बिल्कुल चिरी हुई थी, यानी कि पील ऑफ हुई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि उसको टॉर्चर करके मारा गया है. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल हो गया, और फिर बहुत सारी एनजीओज, ह्यूमन राइट कमीशन, ये वो, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया. जिस इंस्पेक्टर ने लीड किया था आई थिंक वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, उसको इतना ज़्यादा परेशान किया गया इसको कंट्रोवर्शियल बनाकर. आई थिंक उसके ऊपर बेस्ड मूवी है ये, किस तरह वो इमोशन से लड़ता है, किस तरह से वो सिस्टम से लड़ता है. आपने एक सीन देखा इसमें इतना ज़्यादा क्रेजी हो जाता है कि मोबाइल को हाथ से क्रश कर देता है. That scene was brilliant. So throughout, trailer was brilliant. I think hard-hitting movie होने वाली है. Nikhil Advani ने बनाई है. ऐसा लग रहा है कि the screenplay is quite tight because of the background score आपको engage रखता है. तो ऐसा लग रहा है कि very tight screenplay. इवेंट्स को मोड़ तोड़ के आई होप कि नहीं दिखाया जाएगा जो ट्रू फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड मूवी है. अगर ट्रू फैक्ट्स के ऊपर नहीं हुआ तो फिर इनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और लोग इनके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे. थोड़े बहुत बॉलीवुड स्टाइल के इन्होंने एक्शन दिखाए हैं, वो लकड़ी तोड़ना और जॉन अब्राहम के मसल्स और ऑल काइंड ऑफ स्टफ, वो तो उसमें मसाला डालना लाजमी होता है. एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, आइटम नंबर. क्या ज़रूरत है इस तरह की मूवी में आइटम नंबर डालना, आई थिंक नहीं बनता. अगर आप कोई सिचुएशन शो भी करना चाहते हो तो विदाउट आइटम नंबर के भी आप इंगेजिंग सीन बना सकते हो. अननेसेसरी, कम्प्लीटली अननेसेसरी. आई थिंक ये उस फिल्म का माइनस पॉइंट हो सकता है कि आइटम नंबर जो इसमें डाला गया है. अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आइटम नंबर डाला जा रहा है तो मुझे लगता है कि माइनस पॉइंट होगा, या एंड क्रेडिट्स के लिए तो चले ठीक है, फिर लोग नाच सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मूवी आई थिंक दिस मूवी डजेंट नीड अ सॉन्ग एनीवे. हाँ, थोड़े से जो सॉन्ग्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके इमोशन बढ़ाते हैं, वो ठीक है. जैसे कि जॉन अब्राहम थोड़ा सा डीमोटिवेटेड दिखाया है, परेशान दिखाया है, क्योंकि सारा सिस्टम उसके खिलाफ हो गया है, वो लड़ रहा है सिस्टम से अकेले. तो इस तरह के मोटिवेशनल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं. एनीवेज ट्रेलर वॉज ब्रिलियंट. 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और बहुत ख़तरनाक डेट है, इन द सेंस कि
इस डेट पर तीन बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं, बटला हाउस, साहू और मिशन मंगल अक्षय कुमार की। हो ये क्या हो रहा है यार, थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को सोचना चाहिए कि तीन बड़ी मूवीज का क्लैश बिजनेस के लिए नुकसानदेह है। इनको स्क्रीन काउंट्स कम मिलेंगे, पब्लिक के पास इतना पैसा है ये सोचने की ज़रूरत है कि हाँ भाई हम ये मूवी देखें यार, मिशन मंगल देखें या बटला हाउस देखें या साहू देखें। तो एक्सपेंसिव टिकट है, फिर उसके साथ जो आप पॉपकॉर्न्स और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक ये सारा कुछ करते हो तो ठीक ठाक बजट बन जाता है एक मूवी देखने का किसी भी आम बंदे के लिए। तो तीन मूवीज रिलीज हो रही हैं एक ही डेट के ऊपर, बिजनेस डिवाइड होगा या हो सकता है कि नुकसानदेह हो, या हो सकता है कि सिर्फ एक ही मूवी सारे का सारा लाइमलाइट ले जाए। मुझे ऐसा लग रहा है साहू ले जाएगा सब कुछ डेफिनेटली। दैट्स इट गाइस, ये था मेरा रिएक्शन। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियो। और मेरे दो और चैनल है, फैबमैटिक्स एंड इनसाइडर बॉक्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे रिएक्शन वीडियोज और मेरे रिव्यू वीडियोज उन चैनल पर ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स आपको उस पर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।